हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक. पार्ट फोर ऑफ द रिवीजन सीरीज ऑफ केमिस्ट्री फॉर एग्जामिनेशन ऑफ राजस्थान बोर्ड. द एग्जाम डेट इज 27 मार्च 2023. ठीक है, तो जो 27 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का, उसके लिए जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था उसके 3 पार्ट अपलोडेड हो चुके हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपने देखे होंगे. और सीक्वेंसली देखिएगा, यानी कि क्रम से देखिएगा कि पार्ट वन पहले आप देखें, फिर पार्ट टू देखें, उसके बाद में आप पार्ट थ्री देखें, एंड दिस इज योर पार्ट फोर. ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट फोर स्टार्ट कर रहे हैं. और पार्ट फोर स्टार्ट करते ही जो आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, वो ये है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एक मॉडल पेपर की तरह मैंने देखा था, तो वैसे मैंने इसको उठाया है. तो क्वेश्चन इज, ए हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विद Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस, बट गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट. आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वरना मैं तो करवाऊंगा ही, है ना. तो अगर जिसको करना है वो वीडियो को पॉज कर दीजिए. ठीक है, चलिए, किया होगा आपने, जो नहीं किया वो देखिए. सबसे पहली बात यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है हाइड्रोकार्बन की. तो हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और उस हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या सपोज कीजिए, हम लोग लिख लेते हैं हाइड्रोकार्बन. हमने लिखा हाइड्रोकार्बन. अब कैसे इसका आंसर लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना. अगर आपके जैसे सपोज करो मैं एग्जाम दे रहा होता और ये क्वेश्चन अगर मेरे एग्जाम पेपर में आया होता तो मैं उसको कैसे सॉल्व करता वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, तो वो अपन देख रहे हैं. तो आपको पहचानना यही है कि आइडेंटिफाई करो हाइड्रोकार्बन को किस बिहाफ पर, जो भी इसके अंदर हिंट्स दिए हुए हैं उनके बिहाफ पर. तो माना कि हाइड्रोकार्बन, उसको मैंने हाइड्रोकार्बन लिख लिया. अब ये Cl2 से रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ब्राइट सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना. मतलब हाइड्रोकार्बन के अंदर दो कंडीशन हो सकती है. देखिए इधर, पहली कंडीशन में भी वो Cl2 से रिएक्ट कर रहा है और दूसरी कंडीशन के अंदर भी वो Cl2 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है. लेकिन पहली कंडीशन में ब्राइट सनलाइट नहीं है, तो मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है डार्क होगा, मतलब अंधेरे में रिएक्शन हो रही है. और सेकेंड केस के अंदर है सनलाइट. सनलाइट तो ब्राइट ही होती है, तो ब्राइट लिखना कोई जरूरी नहीं है, सनलाइट ब्राइट ही होती है, ठीक है ना. तो पहले केस के अंदर यहां से देखिए, पहले केस के अंदर रिएक्शन नहीं हो रही है, यानी कि नो रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले केस में रिएक्शन नहीं हो रही है. लेकिन सेकेंड केस के अंदर क्या हो रहा है, मोनो क्लोरो कंपाउंड बन रहा है. मोनो क्लोरो कंपाउंड मतलब रिएक्शन हो रही है, तभी तो बन रहा है, वरना क्यों बनता. और उस मोनोक्लोरो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, देखो ये ना दे रखा है, दैट इज C5H9Cl. ठीक है, तो हमें पहचानना है कि ये हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा. तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और उसको अपन को कैसे उसको आंसर करना है. ठीक है, चलिए देखते हैं. सबसे पहली बात, ऐसे कौन सा हाइड्रोकार्बन है, देखिए ध्यान से, ऐसे कौन से हाइड्रोकार्बन है जो डार्क में रिएक्शन नहीं देते हैलोजन के साथ में. तो ध्यान रखिएगा, जो रिएक्शन नहीं देते, तो मैं इसको दो में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है. हिंदी में लिख देते हैं, जो रिएक्शन नहीं देते और जो रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना. ये थोड़ा सा अलग ही आज हमने एक मेथड यूज कर लिया है, कोई बात नहीं. तो जो रिएक्शन नहीं देते डार्क में, ठीक है, और जो रिएक्शन देते हैं डार्क में, ठीक है. अब देखिए ध्यान से, तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं, ऐसे कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं जो डार्क में रिएक्शन नहीं देते, ठीक है ना. तो जो नहीं देते वो देख लीजिए ध्यान से, ठीक है. जितने भी आपके एल्केन्स होते हैं,
इसको जहां से आप देख लीजिए मैंने क्या लिखा है और क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपको। तो जितने भी आपके एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स समझ रहे हैं आपको, जितने भी आपके एल्केन्स होते हैं वो डार्क में रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है एल्केन। तो एल्केन्स आपके डार्क में रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। और एल्केन में भी कौन से वाले एल्केन है, लीनियर वाले, ओनली लीनियर, ठीक है। तो जितने भी आपके लीनियर एल्केन्स होते हैं वो डार्क में रिएक्शन नहीं देते, जैसे कि इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, है ना, ये सब लीनियर एल्केन्स हैं, ये कभी भी डार्क में रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। और कौन देते हैं, एल्कीन्स देते हैं, एल्कीन्स जो है वो रिएक्शन देते हैं बिल्कुल बराबर से, ठीक है। तो यहां पर एल्केन के अंदर भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने केवल क्या बोला, केवल लीनियर वाले एल्केन जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं देते डार्क में, लेकिन साइक्लिक वाले दे सकते हैं। क्या पे लिखेंगे अपन, प्लस या फिर एंड, साइक्लिक एल्केन्स। तो साइक्लिक एल्केन जितने भी होते हैं आपके वो सब डार्क में रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो मोनोक्लोरो कंपाउंड है वो क्या आया है, C5H9Cl। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो C5 का मतलब क्या हो गया, कुछ इस तरह से, और एक Cl में लगा दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन को मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, जैसे इसके पास 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन होने चाहिए अगर मुझे ऐसा कंपाउंड चाहिए तो, ठीक है। लेकिन 11 हाइड्रोजन हमारे पास नहीं, हमारे पास केवल 9 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब 9 हाइड्रोजन को कैसे अरेंज करोगे आप लीनियर में, लीनियर में अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए लीनियर वाला एल्केन तो नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो सकता है, साइक्लिक एल्केन हो सकता है या फिर एल्कीन हो सकता है। एल्कीन की पॉसिबिलिटी कम है, अगर मैं 2 हाइड्रोजन कम भी कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तो हाइड्रोजन हो रहे हैं, एक सीएल है। लेकिन अगर आपने मोनोक्लोरो कंपाउंड एल्कीन का बनाया है तो एल्कीन का कभी भी मोनोक्लोरो कंपाउंड नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होता है, हमें क्या चाहिए, स्टेबल चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन रहता है किस चीज का, साइक्लिक करने का, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर थोड़ा सा इसको मिटा के अगर साइक्लिक कंपाउंड बनाने की कोशिश करूं, जो फॉर्मूला मुझे दिया हुआ है, तो कैसे बनाऊंगा मैं इसको, 5 कार्बन है, 5 कार्बन की साइक्लिक चेन कैसी होती है, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और साइक्लोपेंटेन के कहीं भी मैं यहां पे लगा देता हूं सीएल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैंने साइक्लोपेंटेन ही चुना, साइक्लिक कंपाउंड चुना, क्योंकि सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो कंप्लीटली सूट कर रहे थे इसके, कैसे, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, 2 यहां पर है, ठीक है ना, और 1 यहां पर है। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हाइड्रोजन, 5 कार्बन और 1 सीएल। और सबसे मजे की बात यह है कि जितने भी आपके हाइड्रोजन है सारे इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब सारे के सारे कार्बन पर, सारे के सारे कार्बन पर इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है ना। अगर इस सीएल को मैं ऐसे हटा देता तो यहां पर क्या आता, हाइड्रोजन तो आता है ना, तो इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होगा, जो हाइड्रोकार्बन यहाँ बोल रहा है ना आइडेंटिफाई करने के लिए, वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा साइक्लो पेंटेन, ठीक है। हमारा हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन, यानी कि कुछ इस तरह से, ये हमारा कंपाउंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, द हाइड्रोकार्बन इज साइक्लोपेंटेन, यानी कि आंसर क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम लोग लिखेंगे साइक्लोपेंटेन, और स्ट्रक्चर अपन कुछ इस तरह से बना देंगे, थोड़ा टेढ़ा बन गया इसको सीधा कर लेना, बाकी स्ट्रक्चर आपका इस तरह से ही बनेगा, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसको आप नोट कर सकते हैं, और जिसको समझ में नहीं आया हो वो थोड़ा सा वीडियो को पीछे भी कर सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है और ऐसा क्वेश्चन मैंने कई पेपर्स के अंदर देखा है, इसलिए मैंने उठाया है। जैसे कि मैं आपको हर बार कहता ही हूँ कि मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो मैंने मोस्ट प्रॉब्ली देखे हैं या फिर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर मिले हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल सा है। आउट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड विच वन विल शो मोर कोएगुलेशन कैपेसिटी, ठीक है। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? जम जाना, ठीक है ना। जम जाना का मतलब कोएगुलेट हो जाना, इकट्ठा हो जाना, एक्युमुलेट हो जाना, है ना, ये हम कह सकते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं किसके बीच में, MgCl2 और AlCl3 में से, तो इन दोनों में से कौन जल्दी कोएगुलेट होगा? अब कैसे हो डजंट मैटर, लेकिन कौन जल्दी कोएगुलेट होगा, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करने के बाद उसके आंसर का लिखने का आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए, कोएगुलेशन को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, जैसे देखिए अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो पहले पॉइंट में क्या लिखूंगा, कोएगुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बताइए, फ्लॉकुलेशन, फ्लॉकुलेशन, ठीक है। ये जो टेक्निकल टर्म्स है ये आपको मालूम होने चाहिए, विदाउट दीज टेक्निकल टर्म्स वी कैन नॉट मूव फर्दर। टॉपिक को आप आंसर नहीं लिख पाओगे अगर आपको टेक्निकल टर्म्स नहीं आते हैं तो, ठीक है। चलिए, इसका आंसर देने के लिए सबसे जो सही तरीका है वो क्या है, दैट इज अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू हार्डी स्कूल्स रूल। अब हार्डी स्कूल्स क्या बोलते हैं, हार्डी स्कूल्स बोलते हैं मोर नंबर ऑफ वैलेंसी, मोर नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ कैटायन, मोर नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ कैटायन, मोर फ्लॉकुलेशन कैपेबिलिटी, ठीक है। तो हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा एक स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने बहुत ही छोटे एक वे में लिखा है ताकि मुझे आपको जो आंसर बताना है कि एक्चुअली में इसके आंसर कैसे लिखेंगे और किस बिहाफ पे लिखेंगे। तो इसके आंसर को लिखने के लिए हमको हार्डी स्कूल्स रूल जो है वो अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोएगुलेशन की बात करें या फिर अपन फ्लॉकुलेशन की बात करें तो उसके लिए हमको हार्डी स्कूल्स रूल चाहिए। और हार्डी भाई साहब क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा कैटायन जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ क्या हो, वैलेंसी हो, वो ही जल्दी क्या होगा, क्या होगा, फ्लॉकुलेट होगा या फिर कोएगुलेट होगा, ठीक है। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं फ्लॉकुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेटर वैलेंसी ऑफ मेटल आयन और कैटायन। तो ये रिलेशन अपन एक तरह से डिराइव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हार्डी स्कूल्स रूल, ठीक है ना। तो अगर हमको इतना मालूम पड़ गया है तो बस हमको यही देखना है कि इन दोनों में से किसके पास कैटायंस की क्वांटिटी ज्यादा है या फिर कैटायंस पर वैलेंसी ज्यादा है। ग्रेटर वैलेंसी की हम लोग बात करें ना, तो ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहां पर लिखता हूं MgCl2 और एक तरफ मैं लिखता हूं AlCl3, ठीक है ना। देखिए, MgCl2 जब टूटेगा तो दो में टूट जाएगा, Mg2+ और 2Cl- yes or no? Absolutely yes.
और जब आपका AlCl3 टूटेगा तो Al+3 और 3Cl-, ठीक है। अब दोनों तरफ आप देखिए, दोनों Cl पे सेम चार्ज है माइनस का, लेकिन इनके कैटायंस को आप देखिए, ध्यान से देखिए कैटायंस को, आपका आपका आंसर मिल जाएगा। Mg पे चार्ज है +2 और Am पे क्या चार्ज है +3। और हमने क्या पढ़ा है, फ्लॉकुलेशन उसका ज्यादा होगा जिसके ऊपर ज्यादा नंबर ऑफ कैटायंस होंगे या फिर जिस कैटायन की वैलेंसी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा Al+3। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं फ्लॉकुलेशन, ये थर्ड पॉइंट में फ्लॉकुलेशन ऑफ Al+3 विल बी मोर देन Mg2+ इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव स्पीशीज। पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से जुड़ेगा, तभी जाके फ्लोकुलेशन का बढ़ना कैसे होगा, है ना। यहाँ पर हमें लिखना है कि Al3+ विल बी मोर देन Mg2+ इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव स्पीशीज। तो ये इसका आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा 3 पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि आप इजिली केमिस्ट्री के पेपर जो है इजिली आप क्वालिफाई कर सकते हो, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, जो आपने पढ़ा है उसको बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करने की जरूरत है। तो मैं उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, बस आपको क्या करना है, मेरे साथ ही कॉपरेट करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल टाइप क्वेश्चन है। और मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको हमेशा से नेम रिएक्शंस पे विशेष ध्यान देना है, कि क्योंकि अगर आपने नेम रिएक्शंस को विशेष ध्यान दिया तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो नेम रिएक्शन में से पूछा जाता है। चाहे आपको रिएजेंट निकालना हो, जैसे मैंने रिएजेंट का क्वेश्चन करवाया था आपको कि रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो कि भाई ये रिएक्शन दे दिया आपको, रिएक्टेंट दे दिया आपको, रिएजेंट दे दिया बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। किसी भी तरह की रिएक्शन जो है उसमें जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो यही देखता है कि भाई नेम रिएक्शन से क्वेश्चन उठाऊं। इसलिए केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ें, और केमिस्ट्री की सेकंड बुक जब आप पढ़ें, सेकंड बुक का मतलब केमिस्ट्री पार्ट टू, जिसमें पहला चैप्टर जो है आपका वो हेलो एल्केन हेलोरीन्स है, तो उस सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड बुक के अंदर आपको मोस्टली क्या मिलेगी, मतलब पूरी की पूरी जो बुक है आपकी वो किस पर डिपेंड कर रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। और जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि आप नेम रिएक्शन को कभी ना छोड़ें। जब आप पढ़ें तो नेम रिएक्शंस को आपको बार बार पढ़ें, अगर आप बाकी रिएक्शंस को एक या दो बार पढ़ रहे हैं तो नेम रिएक्शन को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ें, बिना लिख के उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। क्योंकि मोस्टली आप याद रखिएगा, मोस्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो वो क्वेश्चन किसी न किसी रूप में रिलेटेड होगा किससे, नेम रिएक्शन से, ठीक है। तो बस उसी एक परंपरा को जारी रखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, और ये दोनों क्वेश्चन मैंने कई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैंने देखे हैं, चाहे मॉडल पेपर्स हो या फिर सैम्पल पेपर्स हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, तो इसमें ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो देखिए सैंड में रिएक्शन है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट इसका ना कपलिंग रिएक्शन, तो दोनों ही नेम रिएक्शन है और दोनों ही किसी न किसी रूप में प्रीवियस ईयर के अंदर भी पूछे गए हैं, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सैंड में रिएक्शन की। सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में जब हमको लिखना होता है तो पहला पॉइंट इसमें अपन क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट aniline into halobenzene
थ्रू बीडीसी मतलब इस रिएक्शन का हम लोग यूज किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम एनिलीन को किसमें कन्वर्ट कर सकें, हेलोबेंजीन में, लेकिन किसके थ्रू, बीडीसी के थ्रू, मतलब डायरेक्टली इससे इसमें नहीं जाना है आपको, आपको बीच में बीडीसी भी बनाना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है ठीक है। अब इसके अंदर जो अपन रिएजेंट यूज करते हैं, जो हम लोग इसके अंदर रिएजेंट यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपन रिएजेंट्स के अंदर यूज करते हैं NaNO2/HCl, जिससे क्या बनता है, एनिलीन से बन जाता है बीडीसी, बना के दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी, है ना, बना के दिखाऊंगा। तो पहले केस के अंदर अपन यूज करते हैं NaNO2HCl, जिससे एनिलीन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बीडीसी में। फिर बीडीसी से अगर आपको हेलो बेंजीन बनाना है, तो सेकंड रिएजेंट इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, और वो होता है इसके अंदर आपका Cu2X2HX, और यहां पे X का मतलब क्या है, X का मतलब है Cl, Br, I, है ना, इस तरह से, तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है X। तो ये होता है सैंडमेयर रिएक्शन। और अपन तीसरे पॉइंट में देखते हैं इसका एग्जांपल, एग्जांपल देखो, सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपन ले रहे हैं यहाँ पे एनिलीन। तो एनिलीन दिखने में कुछ इस तरह से होता है, दिस इज योर एनिलीन, यू कैन सी हियर, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं एमिनोबेंजीन, ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एमिनोबेंजीन। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर NaNO2HCl डाला, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एनिलीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2+ में और Cl- में, ठीक है। तो दिस इज एनिलीन, ये क्या है आपका, ये आपका एनिलीन है, और ये क्या है आपका, ये है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, लास्ट स्टेप के अंदर, लास्ट स्टेप के अंदर आपको इस बीडीसी के अंदर Cu2X2, सपोज कीजिए मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है, सपोज कीजिए, मतलब मुझे सबको हटा के यहाँ पे क्या लगाना है, Cl लगाना है, तो जहां भी मुझे X दिख रहा है ना, यहां मैं क्या ले लूंगा, Cl ले लूंगा। अगर मुझे बेंजीन के ऊपर Br लगाना है, तो X की जगह मैं क्या ले लूंगा, Br ले लूंगा, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो चूंकि मुझे बेंजीन के ऊपर Cl लगाना है, तो मैं जहां भी X लिखा हुआ है वहां पे क्या ले लूंगा, Cl ले लूंगा, यानी कि Cu2Cl2, और साथ में क्या ले लूंगा, मैं साथ में ले लूंगा मैं HCl, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा जी क्लोरोबेंजीन। और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो बहुत ही आराम से मैं इस इन क्वेश्चन आंसर को डील कर रहा हूं, ताकि आपके सारी चीज़ें अच्छे समझ में आए, है ना। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अपन कपलिंग रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, सैंडमेयर रिएक्शन के बाद में अगला जो हमारा है, दैट इज कपलिंग रिएक्शन, लिख दिया मैंने, आप देख सकते हैं। तो पहला इसमें जो पॉइंट आपको लिखना है, वो क्या लिखना है कि कपलिंग रिएक्शन क्या काम आता है, कहां हमने पढ़ा है इसको, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डाइज, ठीक है ना, डिफरेंट डाइज। बीडीसी यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बीडीसी रिएक्ट्स विद
डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स सच एज एनिलीन फिनॉल एंड अदर्स टू प्रोड्यूस डाई। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो दो पॉइंट थे वो अपन ने यहां पे यूज कर लिए हैं, लिख लिए मतलब, ठीक है ना। क्या लिखे हैं कि इस रिएक्शन का अपन यूज करते हैं क्या करने के लिए, फॉर्मेशन के लिए। किसका फॉर्मेशन भाई? डाई का फॉर्मेशन। डाई का मतलब क्या होता है? रंग। जितने भी हमारे रंग होते हैं ना, अलग जैसे ऑरेंज रंग हो गया, येलो हो गया, है ना, इस तरह से जो रंग होते हैं, यहाँ पर कलर्स होते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है कपड़ों को रंगने के लिए, वो यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें होता क्या, बनता कैसे ये, तो बीडीसी जो होता है आपका वो रिएक्ट करता है किससे? डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड से, जैसे कि एनिलीन, जैसे कि फिनॉल, जैसे कि नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन, इस तरह से, है ना। और क्या प्रोड्यूस करता है? डाई प्रोड्यूस करता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब हमें तीसरे स्टेटमेंट में क्या देना है? तीसरे स्टेटमेंट के अंदर हमें देना है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल देते हैं, थर्ड पॉइंट में हमको देना है एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक ही एग्जाम्पल दे सकते हो, चाहे तो दो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आप जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मेरे पास जैसे यहाँ पे बीडीसी है, सपोज मेरे पास बीडीसी है, दिस इज बीडीसी, है ना। और इस बीडीसी के रिएक्शन में किससे करवा रहा हूँ? एनिलीन से। दिस इज एनिलीन। तो जब रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होने के बाद देखो क्या होगा। सबसे पहले तो देखो सीएल जो है वो एनिलीन के पैरा पोजीशन से एच को बाहर निकाल लेगा और क्या बनाएगा? एचसीएल। और जैसे ही पैरा पोजीशन से एचसीएल दोनों बाहर निकले, एच और सीएल बाहर निकले, तो इस कार्बन के बीच में और इस नाइट्रोजन के बीच में हो जाएगी बॉन्डिंग, ठीक है। और जब बॉन्डिंग होगी तब आपको मिलेगा आपका एक प्रकार का डाई मिल जाएगा आपको कंपाउंड के रूप में, जो दिखने में जिसका स्ट्रक्चर दिखने में कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलेंगे पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। और आपको जान के खुशी होगी कि इसका जो कलर होता है, इस डाई का जो कलर होता है वो क्या होता है? वो येलो होता है। मतलब ये येलो कलर का डाई है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग का मतलब क्या होता है? कपल का मतलब होता है एक जोड़ा, है ना, एक पेयर। तो देखो दो कंपाउंड का पेयर ही तो बन रहा है, ये आपका बीडीसी हो गया और ये आपका एनिलीन हो गया। तो इन दोनों की पेयरिंग होकर एक बड़ा सा कंपाउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, हमारे बोर्ड पे लिख चुका हूं मैं, दैट इज कॉलरॉस लॉ। मतलब ऑलमोस्ट सारे पेपर्स के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, ठीक है। और यकीन मानिए कई लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है, बट है बहुत इजी, ठीक है। लेट डिस्कस व्हाट इज कॉलरॉस लॉ। सो दिस टॉपिक इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा और पता होना भी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको कॉलरॉस लॉ ये मालूम होनी चाहिए, कॉलरॉस लॉ अपन पढ़ते क्यों है, ठीक है ना, मतलब क्या काम आता है ये। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वीक
इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो पानी में अगर आप उसको घोलोगे, डिसॉल्व करोगे, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डिसॉल्व करने पर या फिर H2O में डिसॉल्व करने पर अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो कम क्वांटिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं, है ना। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स, सुनिएगा ध्यान से सब लोग, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा क्वांटिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहे हैं उनको अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स कम क्वांटिटी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज आप क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लेना, दोबारा सुन लेना, ठीक है। तो कोलराउस लॉ जो है स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ बोलता ही नहीं है, मतलब वो उन सभी कंपाउंड के लिए बोलता है, वो उन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बोलता है जो कैसे हैं, जो वीक है, जो कम क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस करते हैं, कम क्वांटिटी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, वीक के अंदर क्या लिख सकते हैं बताओ, प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो जो बहुत ही कम क्वांटिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोड्यूस करते हो उसे अपन क्या बोलते हैं जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है, ये पहली बात होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी कैन एक्सप्लेन we can explain the mobility, we can explain the mobility of ions, mobility of ions, as well as molar conductivity, molar conductivity of weak electrolytes, weak electrolytes, ठीक है। मतलब कोलराउस क्या बोलते हैं, कोलराउस ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम उनके आयंस की, जो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, भले ही कम क्वांटिटी में कर रहे हैं, लेकिन उन आयंस की हम लोग मोबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी मोबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं, साथ ही साथ उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब कैसे कर सकते हैं तो उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया कोलराउस ने, और वो फॉर्मूला क्या था, जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था वो क्या था, तो फॉर्मूला लिखने के लिए मैं यहां पे छोटा सा एग्जांपल ले लूंगा। एग्जांपल अपन क्या लेंगे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि अगर आपने एसिटिक एसिड, विनेगर को विनेगर बोलते हैं, अगर आपने उसको पानी में डिसॉल्व किया तो बहुत ही कम क्वांटिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देता है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। अब देखिए, तो क्या बोला कोलराउस ने बोला कि सपोज कीजिए हमने एसिटिक एसिड लिया, अब जब आपने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो कैसे टूटेगा ये CH3COOH, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। जितने भी आपके वीक होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको अपन इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल ऐसे एरो से रिप्रेजेंट नहीं करते, ध्यान रखिए इस चीज को, बहुत लोग गलती करते हैं, आपको नहीं करना है। तो जब इसमें डिसोसिएट हुआ तो क्या क्या देगा, CH3COOH और साथ में H+,
ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एसिटिक एसिड है वो डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, जब ये डिसोसिएट हुआ तब उसकी हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं वो आप देखिए। तो क्या बोला कॉलरॉक्स ने, उसने ये बोला कि आप इस रिएक्शन से मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे निकाल सकते हो, दैट इज लैम्डा एम इंफिनिटी, लैम्डा एम इंफिनिटी इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस इंफिनिटी प्लस लैम्डा ऑफ एच प्लस इंफिनिटी। तो ये फॉर्मूला किसने प्रपोज किया था, कॉलरॉक्स ने प्रपोज किया था। ठीक है, जिसको आपको पूरे को नोट करना है और इस फॉर्मूले को भी आपको नोट करना है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर एक स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं जो कॉलरॉक्स ने कहा था। वो क्या कहा था, इस इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आपने बहुत ज्यादा पानी मिला रखा है। जैसे आपके पास में एक बाल्टी पानी है और बाल्टी है 10 लीटर की, तो 10 लीटर की बाल्टी के अंदर जिसमें पानी भरा हुआ है 10 लीटर ही, उसके अंदर आपने एक चुटकी वो डाल दी है, नमक डाल दिया है। तो नमक के रेफरेंस में है ना, NaCl के रेफरेंस में वाटर जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, तो अपन क्या बोलेंगे कि हमने NaCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो exhibits high mobility of ions and shows molar conductivity at NTP। ठीक है, तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला इसी स्टेटमेंट के बिहाफ पर आया है कि जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो तो जितने भी आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पहली बात तो हाई मोबिलिटी शो करते हैं, क्योंकि जितना पानी मिलाओगे उतना ज्यादा आयंस टूटेंगे तो उतनी मोबिलिटी बढ़ेगी, और एक बार मोबिलिटी बढ़ गई तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें कॉलरॉक्स लॉ के बिहाफ पर हमको लिखनी होती है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स काफी बड़ा चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा जरूर क्लास 12th में, जो सेकेंड बुक है उसका आई थिंक थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, और काफी बड़ा चैप्टर है और जल्दी से होता भी नहीं है, उसमें बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जो जल्दी से याद भी नहीं होती है। ठीक है, तो उसी में से एक मैंने टॉपिक उठाया है जो कई बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछते हुए देखा है और कई सैंपल पेपर्स के अंदर भी है कि आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे रिड्यूस करोगे, उनका रिडक्शन अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के कई सौ तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको हमेशा उन्हीं मेथड्स को फॉलो करना है जो नेम रिएक्शन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सारी कहानी वापस से किस पे आ गई, नेम रिएक्शन पे आ गई। मतलब जब भी कोई टॉपिक सॉल्व करना होता है ना अपने को, तो अपन ये देखते हैं कि क्या इसका रेलेवेंस, क्या इसका कनेक्शन किसी नेम रिएक्शन के साथ बैठ सकता है कि नहीं। ठीक है, अगर बैठ रहा है तो बिना सोचे समझे आपको बिठा देना है ना। तो वही काम देखो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करने के चाहे जितने भी तरीके हो, मैं उनमें से दो तरीके ऐसे ले रहा हूँ जो नेम रिएक्शन कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये आपको भी मालूम होंगे, आपने सुने होंगे, अभी मैं लिखूंगा आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब भी अपन रिडक्शन की बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स आते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला मेथड जो हमारे पास में आता है उसको हम कहते हैं
क्लीमेंसेंस रिडक्शन, स्पेलिंग देख लेना हो सकता थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। और दूसरी है वुल्फ किशनर रिडक्शन, ये दो रिएक्शन आपने जरूर पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि आप पढ़ने का टाइम भी नहीं है, हम लोग के पास केवल रिवीजन का टाइम है, तो अगर उनके पास टाइम तो देख लें जरूर। ये दोनों ही नेम रिएक्शन है जो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों को ही आराम से रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कि इनके रिएजेंट का क्या नाम है, कौन कौन सा रिएजेंट इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, फिर मैं रिएक्शन भी लिख दूंगा। तो जब भी रिएजेंट की बात आएगी तो क्लीमेंसेंस रिडक्शन के अंदर जो अपन रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, वो अपन यूज करते हैं ZnHg यानी कि जिंक अमेलगम अलॉन्ग विथ KOH, ZnHg यानी कि जिंक अमेलगम अलॉन्ग विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और वुल्फ किशनर के अंदर कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं बताइए जल्दी से, इसके अंदर अपन रिएजेंट यूज करते हैं, सॉरी यहाँ पे KOH नहीं है ये HCl है, बाय मिस्टेक मैंने KOH लिख दिया, सर को थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। क्लीमेंसेंस के अंदर है जिंक अमेलगम और साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, KOH नहीं है, KOH इसके अंदर है, इसके अंदर आएगा आपका NH2, इसको अपन क्या बोलते हैं हाइड्रेजीन, और साथ में आपको लेना है KOH, साथ में क्या लेना है KOH। इन दोनों ही रिएक्शन के अंदर, ठीक है, इन दोनों ही रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन होता है, और कोई भी एल्डिहाइड किसी भी तरह का एल्डिहाइड हो, किसी भी तरह का चाहे एल्डिहाइड हो या किसी भी तरह का चाहे भले ही कीटोन हो, वो सब एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान सुनिएगा कि जब भी हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं इन दोनों में से किसी की हेल्प से या इन दोनों की हेल्प से, तो हमेशा कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन अपने आप को एल्केन में सीधा का सीधा कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। एग्जांपल देखो, कैसे एग्जांपल देखना काफी जरूरी है, एग्जांपल देखिए, सपोज लिए मैंने यहां पे एल्डिहाइड लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, नाम लिख लेना एसिटाल्डिहाइड। और जैसे मैंने इसके अंदर ZnHg और साथ में मैंने HCl यूज किया, मुझे क्या मिल गया CH3 CH3, दिस इज योर इथेन, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था क्लीमेंसेंस के अंदर। दूसरा एग्जांपल देखो, इस बार मैंने ले लिया कीटोन CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3, क्या बोलते हैं इसको एसीटोन। और जैसे मैंने इसके अंदर ZnHg और साथ में HCl लिया तो मुझे क्या मिल गया CH3 CH2 CH3, ये मिल गया मुझे प्रोपेन, ठीक है ना। तो चाहे कोई भी तरह का एल्डिहाइड हो या किसी तरह का कीटोन हो, हमेशा वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे जी, वो एक सिंपल से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है ना, ये जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ओ हट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, बात करता हूं, है ना, रिडक्शन हो जाएगा। अब इसमें देखिए एग्जांपल, इसके अंदर मैं दूसरा एल्डिहाइड ले रहा हूं, सपोज मैंने यहां पर ले लिया एरोमेटिक लेते हैं ना, मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर हाइड्रोजन यानी कि NH2 दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा टोलुइन, ठीक है ना। देखो CO बॉन्ड टूट गया, सारे ऑक्सीजन बाहर और हाइड्रोजन जुड़ गया आपके, है ना, बचे हुए। सेकंड देखिए, सेकंड केस के अंदर ये ले लिया मान लो मैंने कीटोन है, और जैसे मैंने इसके अंदर NH2
NH2 और साथ में KOH लिया तो मुझे क्या मिल गया, जी मिल गया। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर ब्यूटेन, है ना। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने दो नेम रिएक्शंस को भी आज डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गई ये, तो इसको आप जरूर नोट करें। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, प्रिपेयर KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइड, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन इजी भी है और टफ भी है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बताता हूं टफ किन के लिए। अब ये क्वेश्चन टफ उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता कि क्या होता है पायरोलुसाइड। जिनको नहीं पता कि पायरोलुसाइड क्या होता है वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसमें बैठ। और जिनको ये पता है कि पायरोलुसाइड क्या होता है वो क्वेश्चन कर ले जाएंगे, उनके लिए बहुत इजी है, ठीक है। इसलिए मैं वो कह रहा था कि क्वेश्चन इजी भी है टफ भी है। इजी किन के लिए, जिनको पता है कि व्हाट इज पायरोलुसाइड, ये तो सबको पता ही होता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, है ना। लेकिन पायरोलुसाइड क्या चीज है ना, तो हम लोग इसी का आंसर करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पायरोलुसाइड। दिस इज योर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। डार्क पिंक कलर का आता, पिंक कलर के से क्रिस्टल्स होते हैं, कभी लैब में मौका मिलेगा आपने देखा होगा। अभी पायरोलुसाइड क्या होता है, पायरोलुसाइड होता है एक ओर, ये एक ओर होता है जिसमें से आप मैंगनीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब ये मैंगनीज का ऑक्साइड है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MnO2, ठीक है। तो जिसको ये चीज पता थी वो कर ले जाएगा, जिसको नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो पायरोलुसाइड से हमको क्या बनाना है, KMnO4 बनाना है। तो अगर आपको KMnO4 बनाना है पायरोलुसाइड से, तो ये दो स्टेप में खत्म होता है। तो अपन पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, इट कंप्लीट्स इन टू स्टेप्स, ये दो स्टेप में खत्म होता है। और पहला स्टेप क्या है जी बताइए, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट। तो सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है पोटेशियम मैंगनेट, और पोटेशियम मैंगनेट के बनने के बाद में क्या बनता है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम मैंगनेट किससे बनेगा, ऑब्वियस सी बात है पायरोलुसाइड से बनेगा, है ना। अब कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसकी जो रिएक्शन है उसकी रिएक्शन के अंदर हमको लिखना होता है पायरोलुसाइड लिखना होता है, ठीक है ना। और पायरोलुसाइड की हमको रिएक्शन करवानी पड़ती है किसके साथ में, यानी कि हमको MnO2 की रिएक्शन करवानी पड़ती है किसके साथ में, सबसे पहले तो KOH के साथ में, जिसको अपन क्या बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। और साथ में हमको रिएक्शन करवानी होती है ऑक्सीजन गैस के साथ में, है ना, O2। तो जब आपका MnO2 KOH और O2 के साथ रिएक्शन करता है तो सबसे पहला कंपाउंड क्या बनता है आपके पास में, K2MnO4। और K2MnO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैंगनेट, है ना। और साथ में जो है पानी तो बाहर निकलेगा, ऑब्वियसली बात है वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक आया ना, ये टॉपिक है डी ब्लॉक का, और आपको मालूम होना चाहिए कि डी ब्लॉक इज अ मेंबर ऑफ, बताइए इज अ मेंबर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमेशा आपको रिएक्शन बैलेंस करके लिखनी जरूरी है। एक बार के लिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन को बैलेंस नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, बहुत ही बड़े तरह से चल जाएगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और उसके अंदर अगर आपने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना। एग्जामिनर जो होता है आपके मार्क्स काट सकता है, इसलिए आपको आपने जो भी रिएक्शन लिखी है उसको जरूर बैलेंस करें। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, देखो यहाँ पे के दो है, यहाँ पे के एक ही है, है ना। इससे साफ साफ पता लगा कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको बैलेंस करेंगे पहली बात है हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो
तो हीट एंड ट्रायल मेथड का जब भी अपन यूज करते हैं तो क्या क्या करते हैं बताइए। तो यहां पे मैं जो है 2 लगा रहा हूं तो ये 4 हो जाएगा, और यहां पे 2 लगाने से Mn बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन देख लेते हैं। पहले तो हाइड्रोजन यहां पे 4 है और यहां पे 2 है, तो यहां पे आपको 2 लगा देना है। ऑक्सीजन देख लो, 4 टू 8, 8 टू 10, यहां पे 2 टू 4, 4 4 8 और 2 10, हां ये हो गया बैलेंस। ठीक है, और ये बन गया आपका पोटेशियम मैंगनेट, दिस इज योर पोटेशियम मैंगनेट। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या लिखेंगे बताइए। कन्वर्ट के टू एम एन ओ फोर इंटू के एम एन ओ फोर, ठीक है ना, के टू एम एन ओ फोर इंटू के एम एन ओ फोर। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और बहुत ही ध्यान से आपको सीखना है कि मैं कैसे आपको सिखा रहा हूँ और कैसे इसको करना चाहिए एग्जाम में। एक्चुअल में अगर आपने अटेंशन नहीं दिया वीडियो के अंदर तो एक तो अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो और साथ ही साथ आपको कुछ प्रोडक्टिविटी भी नहीं मिलेगी। इसलिए प्लीज़ डू नॉट वेस्ट टाइम, प्लीज़ पे अटेंशन। तो K2MnO4 को अगर आपको कन्वर्ट करना है K2MnO4 के अंदर तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, यूज करना पड़ेगा आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जैसे मान लो ये मेरे पास है K2MnO4, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे K2MnO4, और इसके अंदर मैं डालूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आपको क्या यूज करना है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही KMnO4 बनेगा आपका, KMnO4 बैलेंस करेंगे अभी, है ना, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करेंगे अभी, डोंट वरी। तो KMnO4 बना सबसे पहले, तो उसके साथ ही आपको एक और कंपाउंड मिलेगा MnO2, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा H2O, वाटर, वाटर के वेपर्स निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, और साथ ही साथ आपको मिलेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन है, ठीक है, जैसे आप HCl डालते हो तो आपको इस तरह से रिएक्शन मिलती है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन चूंकि बैलेंस नहीं है तो हाइड्रोजन हमारे पास में 2, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं, यहाँ पे 2 लगा लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो मुझे यहाँ पे 4 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो Cl 4 हो गए, उधर Cl जो है हमारे पास में 1 ही है, यहाँ पे पोटेशियम आपके 2 है, उधर 1 ही है, Mn 2 है, यहाँ पे Mn 1 ही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हुए 4, काम करता हूँ मैं यहाँ पे 3 लगाता हूँ। ठीक है, 3 2 6 हो गया, तो 4 3 12, और 12 के बाद में 4, यहाँ पे सी एल है तो यहाँ पे अपन 4 कर देते हैं, तो 4 के हो गया 6, 4 यहाँ पे 2, यहाँ पे एम एन देख लेते हैं, एम एन 2 एक 3, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाँ ठीक है, तो ये बन गया आपका KMnO4। ठीक है, और ये दोनों के इसकी बैलेंस रिएक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, पाइरोलुसाइड से KMnO4 बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ ही आप इसमें एक चीज और लिख सकते हो सेकंड पॉइंट के अंदर, और ये कंपल्सरी नहीं है, अगर जैसे मैं होता तो मैं जरूर लिखता इसको, और क्या लिखना है, दैट इज KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इजिली converts
ऑक्सैलिक एसिड इनटू CO2 गैस, CO2 गैस। तो KNO4 चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है तो आराम से ऑक्सैलिक एसिड को CO2 गैस में कन्वर्ट कर सकता है, CO2 गैस में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे करेगा तो अपन लिख देते हैं, रिएक्शन तो लिखना जरूरी है ही, तो यहां पे अपन लिखते हैं इसको MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस, रिएक्शन अपन एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं इसलिए H प्लस, इससे आपको मिलेगा Mn 2 प्लस, साथ में CO2 और साथ में आपको मिलेगा H2O, इस तरह से ये आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को चाहे तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं 16 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10, इधर कर देता हूँ मैं 2, इधर कर देता हूँ मैं 2, ठीक है। इस तरह से अपन इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि नीचे वाली रिएक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी और कई बार एग्जाम में पूछी हुई है इसलिए मैंने इसको लिख दिया, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जामिनर की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको लिख लिया। तो नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है न्यूमेरिकल से डरते हैं कि भाई न्यूमेरिकल नहीं करना है, वो छोड़ देते न्यूमेरिकल, मतलब पढ़ते भी नहीं उसको, जबकि जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके वो सब इजी वे में आते हैं ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। कैलकुलेट दी मोलैरिटी, आपको निकालनी क्या है, मोलैरिटी निकालनी है पहली बात तो ये, ठीक है। कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ 9.8% वेट अपॉन वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ये दूसरा हिंट दे रखा है, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी कितना है, 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर। तो दो डेटा हमारे पास दे रखे हैं और एक डेटा पूछा है, यानी कि मोलैरिटी पूछा है। तो पहली बात तो देखो, सबसे पहले तो मोलैरिटी का आपका निकाल लीजिए, फॉर्मूला निकाल लीजिए सबसे पहले, क्योंकि कैलकुलेट तो मोलैरिटी करनी है अपने को। तो मोलैरिटी का मतलब हो गया कैपिटल एम, और कैपिटल एम क्या होता है, एन अपॉन वी, वो भी किसमें, लीटर के अंदर, यानी कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मैंने इस क्वेश्चन को ढंग से देखा और ढंग से देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ना तो मुझे मोल दे रखा है और ना ही मेरे को वॉल्यूम दे रखा है, तो मतलब मुझे मोल और वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, इसको दो मिनट के लिए छोड़ दी साइड में। इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला हिंट दे रखा है आपको, दैट इज 9.8% वेट अपॉन वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अब इसका मीन, इसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है इसका, तो जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी इस तरह से दिखाओ मिल जाए, परसेंट डब्ल्यू बटा इतना, है ना, डब्ल्यू अपन डब्ल्यू कुछ भी दिख जाए, इसका मतलब ये होता है कि 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, मतलब 9.8 ग्राम H2SO4 को आपने किसमें डिजॉल्व कर रखा है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व करके रखा हुआ है आपने, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें तो 9.8 ग्राम क्या है, ये है मास, किसका, H2SO4 का। और अगर हमारे पास मास है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं मोल्स, यानी कि हम लोग एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू क्या होती है, वेट अपॉन मोलर मास, वो भी किसमें, ग्राम में। और वेट कितना बताइए, जल्दी से बताइए, वेट हमको दे रखा है कितना, 9.8 ग्राम, और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, H2SO4 का जो मोलर मास होता है वो अपन निकाल लेते हैं यहां पे, 2 into 1
प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 4 इंटू 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 32 प्लस 16 फोर जा कितना होगा, 16 फोर जा 4, तो जब जुड़ोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 98 ग्राम आ जाएगा, तो 9.8 ग्राम अपॉन 98 ग्राम। ठीक है, अब जो आप इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसको काट लोगे आप तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो मोल्स कितने आ गए अपने पास में, 0.1। ठीक है, उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही इजी वे में जा रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, भले कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन में, लेकिन चूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ हर चीज स्टेप कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन आपका जो है 1 से 1.5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए कैलकुलेशन के साथ में। चलिए, तो मोल्स आ गए, लेकिन अभी वॉल्यूम नहीं है अपने पास में, क्योंकि जब तक मोल्स और वॉल्यूम दोनों नहीं आएंगे तब तक हम लोग मोलरिटी नहीं निकाल सकते, है ना। तो देखिए वॉल्यूम, अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, ठीक है ना। और जब डेंसिटी दे रखी होती है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है बताइए, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, और मास किसका, मास आपको लेना है सॉल्यूशन का, है ना, इस बात को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि डेंसिटी भी किसकी दे रखी है, सॉल्यूशन की। तो सारा कुछ मैंने क्वेश्चन में से उठाया, अपना दिमाग में कुछ भी नहीं लगा रहा हूं अभी, है ना। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, क्योंकि वॉल्यूम अपने को चाहिए, तो वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। अब बताइए मास कितना दे रखा है अपने को सॉल्यूशन का, देखो इधर 100 ग्राम, तो 100 ग्राम लिख दिया। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.02 ग्राम पर ml, है ना, ग्राम से ग्राम कट गया और हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आ गया 100 अपॉन 1.02 ml, है ना, यही आया। ठीक है, तो हमारे पास में वॉल्यूम आ चुका है, हमारे पास में मोल आ चुका है, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब इसे इसमें डालोगे तो अपने आप कट जाएगा, वो देख रहे हैं ध्यान से। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो कैपिटल एम यानी कि मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स कितने हैं, दैट इज 0.1 अपॉन वॉल्यूम कितना है, ये रहा 100 अपॉन 1.02 ml, और आपको पता है कि हमको किसमें लेना है, लीटर में लेना है, और जब भी हम लोग ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किसे डिवाइड करना होता है अपन को, अपन को उसको 1000 से डिवाइड करना होता, तब जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इनटू ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इतनी सी चीज जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए आपको, थोड़े बहुत कन्वर्जन जो है आने ही चाहिए, वरना फिर कोई मतलब जो है सेंस ही निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए आप लोग। कर लिया नोट। अब जिन स्टूडेंट को लगता है कि भाई पहले सर इसको सॉल्व कर दो, तो एक काम करता हूं मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, आप लोगों को डाउट नहीं लगे, बाकी लोग जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अपन सॉल्व करें तो एक जो है पॉइंट कट जाएगा, मतलब पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो और आ जाएंगे, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1 आ गया, तो ये जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 0.9 के आसपास आएगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है ये 0.9 के आसपास आ जाएगा। है ना, तो ml में है ना, तो ये आ जाएगा आपका 98.04 ml के आसपास आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है ना, तो जो लोग जो है चाहे तो 98 ml भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर काम करता हूँ मैं उसको वैसे के वैसे लिखता हूँ,
100 अपॉन 1.02, और यहाँ मैं और करके लिखता हूँ 0.1 अपॉन 98.04 इंटू 1000 ऊपर, ठीक है ना, चलेगा इस तरह से। तो देखिए अब इसको ऊपर लेके जाइए, 0.1 इंटू 1000 तो पहले से ही था, इंटू 1.02 भी आ गया अपॉन 100, और मैं अपन ने क्या लिखा था 0.1 इंटू 1000 अपॉन 98.04, ठीक है। तो अब 1.02 को मैं अप्रोक्सीमेटली 1 ही मान लेता हूं, है ना। तो देखो दो जीरो से दो जीरो कट गए, ठीक है, एक पॉइंट यहां से हटाया 10 आ गया, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, ये 1.02 के आसपास तो आ जाएगा, एक क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 1.02 एम ये आंसर आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना इजी सा ये क्वेश्चन था, देखो कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं थी, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको थोड़े बहुत कन्वर्जन मालूम होने चाहिए, और स्मार्ट तरीके से आपको डिवाइड करना भी आना चाहिए, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, अगर डाउट है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लीजिए, फिर भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एक नंबर के सेक्शन के अंदर पूछा जाता है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी कर लेने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में उन्हीं सबको दिक्कत आती है जिन्होंने डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करी है, या फिर जिनको स्ट्रक्चर ओपन करना नहीं आता है, या फिर जिनको बैलेंसेस नहीं पता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को दो ही तरह के स्टूडेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो जिन्होंने किताब में जितने भी स्ट्रक्चर्स उनको रट रखे हों अच्छे से, है ना, या फिर वो स्टूडेंट भी कर सकते हैं जिन्होंने रटा नहीं हो लेकिन जिनको ये मालूम हो कि भाई कौन से एटम की वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, कैसे सॉल्व करता, तो मुझे चूंकि पता है कि कौन से एटम की कितनी वैलेंसी है, यहाँ पे तीन तरह के एटम्स हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तो मुझे इन तीनों की वैलेंसीज पता है, और अगर मुझे वैलेंसी पता है तो इसका स्ट्रक्चर मैं इजीली बना के ले जाऊंगा, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एक नंबर के इसलिए आते हैं कि आपको बस मालूम वो एग्जाम में मालूम करने के लिए पता लगता है कि आपको आता है कि नहीं, है ना, बाकी ऐसे कोई सेंस नहीं इसको देने का, लेकिन बस चेक करने के लिए आपकी नॉलेज कि आपने स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करी है या फिर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है कि नहीं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। देखो सल्फर दो है यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले दो सल्फर ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि सल्फर की वैलेंसी जो होती है 6 होती है ना, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 6 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है। तो पहले मैं 8 ऑक्सीजन है, 8 में से सबसे पहले मैं 6 को तो बैलेंस करूंगा कम से कम, देखो अभी सल्फर की वैलेंसी 4-4 पूरी हो गई दोनों के अलग अलग, ऑक्सीजन की 2-2, है ना, फिर हाइड्रोजन भी है इस तरह से, इस तरह से, तो थोड़ा सा हम दूर कर देते हैं, ऐसे, और एक आपके दो इस तरह से परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। तो वैलेंसीज के हिसाब से ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा सूटेबल है फॉर दिस केमिकल फॉर्मूला, है ना। तो ये आपको बना लेना है। इसका नाम अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, इसको अपन कहते हैं पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ कर लीजिए, तो आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा।
तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वही सेम चीज़ जितने भी मॉडल पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, जितने मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर देखे थे, वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि आप टाइटल भी जानते ही हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज के अंदर ही चौथा जो सेक्शन था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। एक घंटे से ऊपर की आई थिंक वीडियो बन गई है, 1 घंटा 10 मिनट शायद हो गए हैं। तो आज के इतना ही करते हैं हम, फिर अपन प्रिपेयर करेंगे 5th पार्ट के लिए। तो 5th पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, आज में या फिर कल में आ जाएगा ये। तब तक आप इन चारों पार्ट को थरोली रिपीटली देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इनको छोड़ना नहीं है आपको, और साथ ही साथ जो आपकी तैयारी चल रही है उसको करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।